हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स के बारे में। इग्नू के अंदर बीए ऑनर्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट में डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं और वन बाय वन हर एक कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स के बारे में बात करेंगे और इग्नू की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक स्टूडेंट को एडमिशन से पहले पता होनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स करने के लिए आपको क्लास ट्वेल्थ की रिक्वायरमेंट है। क्लास ट्वेल्थ में आपके पासिंग मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू करने के लिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से क्लास ट्वेल्थ करी हो। ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में यूनिवर्सिटी में ऑफ़र किया जाता है। ये कोर्स 3 साल का कोर्स है दोस्तों और मैक्सिमम 6 साल आपको मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपका कोई बैकलॉग लग जाता है या फिर आप एब्सेंट हो जाते हो तो टोटल 6 साल में इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। इस कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको अलग अलग कैटेगरी के सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। एक होता है आपका कोर कोर्स, जो कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हो तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट आप हर सेमेस्टर में पढ़ोगे। एक होता है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट भी थर्ड ईयर में आपको पढ़ने होते हैं। एक एबिलिटी इनहांसमेंट सब्जेक्ट होता है जिसमें आप कोई लैंग्वेज वगैरह पढ़ते हो। एक सेक की कैटेगरी में सब्जेक्ट होता है और एक होता है जेनरिक इलेक्टिव। जेनरिक इलेक्टिव का मतलब ये होता है जैसे आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया है तो इकोनॉमिक्स के अलावा किसी और डिसिप्लिन का सब्जेक्ट पढ़ना। इस कोर्स का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। हर एक सेमेस्टर में आप लोगों को 4-4 सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे सिवाय थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में 5-5 सब्जेक्ट, बाकी फर्स्ट ईयर में और थर्ड ईयर में आपको 4-4 सब्जेक्ट हर एक सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेंगे। ये ब्राउशर है इग्नू का, आप इस ब्राउशर में जाकर भी सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर EVS पढ़नी होती है आपको AEC के अंदर सेकंड सेमेस्टर में, फिर इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई सब्जेक्ट ले सकते हो। हर एक सेमेस्टर में सेकंड ईयर तक जेनरिक में एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी डिटेल है कोर्सेज की। इसके अलावा कोर कोर्सेज की कैटेगरी में इकोनॉमिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स 2, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कोर सब्जेक्ट हैं जो कि आपको सेमेस्टर वाइज देखने को मिलेंगे, ये इकोनॉमिक्स के हैं। बाकी फिर नीचे हिस्ट्री ऑनर्स के मेंशन हैं, वो फिलहाल हम अवॉइड करते हैं। तो ये तो बेसिक सी डिटेल हो गई कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं। अब यहाँ पर फर्दर डिटेल्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन और मीडियम की बात कर ली, दोनों ही मीडियम में ये कोर्स ऑफर किया जाता है। फ़ीस की बात करते हैं। फ़ीस दोस्तों 4700 रुपये 1 साल की फ़ीस है। जब आप इग्नू में एडमिशन लोगे तो 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 200 रुपये की डेवलपमेंट फ़ीस भी जाएगी, तो टोटल फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पर आपके 5200 रुपये लगेंगे। ये एडमिशन फ़ीस है, इसके अलावा एग्ज़ाम फ़ीस अलग होती है जो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। इतनी ही फ़ीस आपको 1 साल में देनी होती है, फिर सेकंड ईयर में एडमिशन लोगे तो भी 4700 जाएंगे एंड देन फिर थर्ड ईयर में एडमिशन लोगे तो भी 4700 रुपये आपके जाएंगे। तो ये फ़ीस है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स की। इसके अलावा हम बात करते हैं इग्नू के अंदर कुछ और फर्दर डिटेल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की। देखिए, जब भी आप इग्नू के अंदर एडमिशन लेते हो तो एक आपको रीजनल सेंटर चूज़ करना होता है और उसी रीजनल सेंटर्स के अंडर जितने भी स्टडी सेंटर्स आते हैं उनमें से एक आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है। स्टडी सेंटर के अंदर तो आपकी क्लासेस वगैरह लगती हैं और असाइनमेंट सबमिट होते हैं। रीजनल सेंटर में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं। कोई आपका मार्कशीट में प्रॉब्लम आ गई या कोई भी XYZ दिक्कत आपको आ गई, आपका स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट घर नहीं पहुंचा, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आपके रीजनल सेंटर से होती हैं। इसके अलावा इग्नू के अंदर एज आई सेट की एग्जामिनेशन फ़ीस अलग होती है, तो उसकी बारे में भी हम बात करते हैं। तो एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं, देखिए आपने मान लीजिए जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, तो इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो नेक्स्ट ईयर जून में होंगे। जैसे अगर जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है तो जून 2024 में आपके एग्ज़ाम होंगे। सिमिलरली अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो उसी सेशन के जो एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर के वो दिसंबर में होंगे। दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम साइमल्टेनियसली एक साथ कंडक्ट होते हैं, अलग अलग सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं एनुअली होते हैं, है ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम ही, लेकिन एग्ज़ाम इसके एनुअल मोड में होते हैं। अब एग्ज़ाम जब होते हैं तो उससे पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करना होता है, उसकी एग्ज़ाम फ़ीस जाती है और एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होता है। एग्ज़ाम फ़ीस इग्नू के अंदर 200 रुपये पर सब्जेक्ट है,
जैसे फर्स्ट ईयर में आपके पास 8 सब्जेक्ट होंगे तो 1600 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस आपकी अलग जाएगी। जो ऊपर मैंने आपको 4700 रुपये की फ़ीस बताई है उसके अलावा 1600 एग्ज़ाम फ़ीस अलग जाएगी, और ये हर साल आपको पे करनी पड़ेगी एग्ज़ाम से पहले, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, एंड देन फिर थर्ड ईयर में भी। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर भी आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ करना पड़ता है। इग्नू के अंदर एक रिलैक्सेशन है, आपने किसी भी स्टेट के रीजनल सेंटर में एडमिशन लिया हो, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम सेंटर भी आप उसी स्टेट में चूज़ करो। अगर एग्ज़ाम के टाइम पर आप किसी और दूसरे स्टेट में हो जिस स्टेट का आपका एडमिशन ना हो, उस स्टेट में भी आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बारी आती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट एक बहुत ही क्रूशल पार्ट है इग्नू का, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है, एग्ज़ाम मैंने आपको बताया नेक्स्ट जून में होंगे, तो असाइनमेंट आपको मार्च से सबमिट करना शुरू करोगे आप, मार्च 2024 से, जो कि मिड मई तक चलते हैं। सिमिलरली अगर आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है तो एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे, और असाइनमेंट आप सबमिट करना शुरू करोगे सेप्टेम्बर से, जो कि लगभग मिड नवम्बर तक चलते हैं। तो ये असाइनमेंट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग असाइनमेंट बनता है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट, जैसे 8 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में, तो 8 अलग अलग असाइनमेंट सभी सब्जेक्ट्स के बनेंगे। इसके अलावा क्लासेस वगैरह की बात करते हैं। क्लासेस जो होती हैं दोस्तों आपके स्टडी सेंटर में लगती हैं, कुछ कुछ केसेस में क्लासेस वो लोग ऑफलाइन लेते हैं, और कुछ कुछ केसेस में क्लासेस ऑनलाइन भी ली जा सकती हैं। क्लासेस के लिए जानकारी कब आती है, अगर आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है तो अराउंड नवंबर दिसंबर के बाद क्लासेस की जानकारी आना शुरू होती है, अगर आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है तो अराउंड जून जुलाई के बाद क्लासेस की जानकारी आना शुरू होती है। अभी मैं आपको थोड़ा टिप्स भी बता दूंगा कि क्लासेस का शेड्यूल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और असाइनमेंट भी मैं आपको बता दूंगा कहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा बात आती है यहां पे री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन का मतलब इग्नू के अंदर ये होता है सेकेंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना, चूँकि यहाँ पर बैचलर डिग्री प्रोग्राम की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, इग्नू के अंदर जब भी आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे तो उस सेकेंड ईयर के एडमिशन का आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से कोई भी लेना देना नहीं है। काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहेगा, सर ये जो री रजिस्ट्रेशन है ये कब होते हैं। ये री रजिस्ट्रेशन मान लीजिए आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है और आपके एग्ज़ाम जून 2024 में होंगे, तो जो जून 2024 में आपके फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे उससे पहले ही सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा अराउंड मई में, और वो आपको करना मैंडेटरी होगा, बिकॉज सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन आप करोगे उसके एक साल बाद ही फिर आप सेकेंड ईयर के पेपर दे पाओगे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के। जिस तरह से नया एडमिशन लेने के एक साल के बाद आप एग्ज़ाम दे रहे हो फर्स्ट ईयर के, उसी तरह से सेकेंड ईयर के एडमिशन लेने के बाद ही आप सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो एक साल के बाद दे पाओगे। सिमिलरली जो थर्ड ईयर का एडमिशन होगा वो सेकेंड ईयर के जब एग्ज़ाम होने वाले होंगे उस टाइम पर स्टार्ट होगा थर्ड ईयर का एडमिशन, वो आपको करना होगा। फ़ीस उतनी ही जाएगी जितनी फर्स्ट ईयर में गई थी, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम का और सेकेंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। आपने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद मान लीजिए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए या फिर आपने एग्ज़ाम नहीं दिए, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, उसका इम्पैक्ट सेकेंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल जब आप एडमिशन ले लेते हो उसके 3 से 4 महीने के बाद, जी हाँ कम से कम इतना टाइम लगता है, कुछ कुछ केसेस में जल्दी भी आ जाता है, लेकिन चूँकि ये एनुअल मोड में इसके एग्ज़ाम होते हैं तो स्टडी मटेरियल लेट ही मिलता है। एग्ज़ाम होने के बाद बाय पोस्ट आपके घर पे स्टडी मटेरियल भेज दिया जाएगा, अगर नहीं आता है तो रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल की एक और जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मान लीजिए आप फॉर्म भरते वक्त आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक ऑप्शन तो ये है हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल लेना, उसका तो मैं आपको बता चुका हूँ 3-4 महीने के बाद घर पर आएगा, या फिर अगर नहीं आया तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा रीजनल सेंटर से। दूसरा ऑप्शन होता है स्टडी मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में चूज़ करना। अगर ये दूसरा वाला ऑप्शन आप चूज़ करते हो तो उस कंडीशन में स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये दूसरा वाला ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हो डिजिटल फॉर्म वाला, तो फ़ीस में आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 4700 रुपये की फ़ीस है तो 4700 का 15% कितना होता है अप्रोक्स, आई थिंक जो भी बैठेगा 600 के अराउंड बैठ सकता है, तो इतने पैसे आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। 4000 के आसपास आपकी फ़ीस जाएगी अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करते हो तो, और ये फर्स्ट ईयर के लिए। फिर सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें ऑप्शन रहेगा कि आपको डिजिटल में लेना है, हार्ड कॉपी में लेना है, एंड देन फिर थर्ड ईयर के टाइम भी ऑप्शन रहेगा।
तो ये सारी डिटेल हो गई इग्नू की बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स से रिलेटेड। एंड लास्टली यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया भी आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि इग्नू के अंदर असाइनमेंट भी देने होते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन भी देना होता है। तो पासिंग क्राइटेरिया होता है 35%, यानी असाइनमेंट में आपको अलग से 35% मार्क्स लाने होते हैं और थ्योरी पेपर में आपको अलग से 35% मार्क्स लाने होते हैं। तो ये 35% का पासिंग क्राइटेरिया है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स में। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स के सब्जेक्ट्स का सिलेबस जानना है तो गूगल पर सिंपली सर्च करो इग्नू बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, फिर आपको कुछ इस तरह का लिंक मिलेगा, इग्नू का लोगो रहेगा, वेबसाइट रहेगी और इस तरह का लिंक मिलेगा। यहाँ लिंक पर जाकर आप सिलेबस चेक कर सकते हो। इस लिंक पर कुछ जानकारी जैसे फ़ीस की डिटेल कुछ पुरानी हो सकती है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। प्रोग्राम गाइड पे क्लिक करके आप जो सारा सिलेबस है वो चेकआउट कर सकते हो। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ हो गई आपके लिए असाइनमेंट भी मैं आपको बता दूँ कहाँ से डाउनलोड होते हैं। आप इग्नू की वेबसाइट पर जाओगे, वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे, देन लेफ्ट कॉर्नर में असाइनमेंट का लिंक रहेगा, यहाँ आप क्लिक करोगे, देन फिर बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जाओगे, उसके बाद यहीं पर आपको असाइनमेंट के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप असाइनमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो। ये बीए इस पर आप क्लिक करोगे, यहीं पर आपको ऑनर्स के भी और जो भी असाइनमेंट हैं वो देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल जुलाई 2023 सेशन के लिए नहीं आए हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर जब भी आप असाइनमेंट का डाउनलोड करोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि आपका वो क्वेश्चन पेपर किस सेशन के लिए है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखना। अब आपको क्लासेस का शेड्यूल जानना है तो वो कैसा होगा, आपका जो भी रीजनल सेंटर है गूगल पे वो सर्च कर लेना इग्नू आरसी, और जो भी रीजनल सेंटर है वो सर्च करना उसका नाम लिखकर। पहले ही लिंक पर उस वेबसाइट का लिंक आएगा रीजनल सेंटर की, यहीं पर आपको सारी जानकारी मिलेगी क्लासेस वगैरह की या दूसरी चीज़ों की। यहाँ पर देखिए काउंसलिंग शेड्यूल का लिंक रहेगा हर एक वेबसाइट पर, यहीं पर आपको स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग काउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिलेगा, यहाँ से आप काउंसलिंग का शेड्यूल भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स के इग्नू की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।